17 साल से आप इस इंसान को देख रहे हैं, इनकी उम्र आप पहले गैस कर दीजिएगा, इनकी उम्र क्या है। आप वीडियो को शुरू होने से आप देख लीजिए इनकी उम्र क्या है, आपको नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि इनकी उम्र क्या है। देखिए इनके पास क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हैं, हम देखते हैं, ये एक दाने जैसी कोई चीज़ है, ये पत्ते हैं और ये कुछ भुरभुरा सा है, लेकिन इसके बारे में बताते हैं। इसका नाम बड़ा अजीब सा मुझे लगा जब मैंने पहली बार सुना। इसको बोला जाता है सीबक थॉर्न, और ये एक ऐसी बेरी की तरह होती है। ये पता नहीं कैसे, कहाँ कहाँ से इतना जंगली चीज़ है, कहाँ कहाँ से तोड़ के लाते हैं, क्या करते हैं। और इनको माना जाता है, बहुत से अवार्ड विनर हैं ये, आप इनके देख सकते हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं, और इनको नाम दिया गया है सीबक थॉर्न गुरु के नाम से। लोग इनको इंटरनेट पे जानते हैं सीबक थॉर्न गुरु के नाम से, और आपके सामने है ये शख्स। आप इनको जानिए, देखिए, और हम एक एक सीक्रेट जानने वाले हैं इनसे, ये क्या चीजें कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इन्होंने 17 साल अपनी उम्र को रोक के रखा है। जब से लेना शुरू किया तब से ये ऐसे के ऐसे ही हैं। इनके परिवार में बताते हैं कि इनकी उम्र तो दोबारा बढ़ी ही नहीं जब से ले रहे हैं। तो सर बताइए, आज आप खुलासा कर ही दीजिए हमारे चैनल पर कि लोगों को पता लगे कि वाकई उम्र रुकी भी जा सकती है क्या। बिल्कुल रोकी जा सकती है। ये है वो राज, सी बकथॉर्न जूस, एक बेर का जूस, हिमालय के 10,000 फुट से ऊपर पाई जाती है ये जंगली ऑर्गेनिक बेर। ये वाली बेर जो होती है, यही बेर है ये जो जंगली उगती है, और इसी बेर को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है, यूरोप में ब्यूटी बेरी के नाम से जाना जाता है। आपने मेरी शक्ल देखी है, मैंने इसको लगभग 39-40 की एज में शुरू किया था, और आज मेरी एज, आप गेस करिए, आप गेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं हम 17 साल लास्ट से में पूछने वाले मैंने हैं सबसे, ये डिक्लेयर हम लास्ट में करने वाले हैं कि आपकी उम्र क्या है। चलो हाँ अपने बालों का बताऊंगा, बताइए कुछ, बाल के बारे में और अपनी हेयर ऑल के बारे में। नेचुरल, नो सब कलर नेचुरल, डाई, नो डाई, ऑल झड़े भी नहीं नेचुरल, है, ऑल थोड़ा खड़े होकर नेचुरल। दिखाइए सर दर्शकों को, क्या कई लोग सोचेंगे कि नॉट हाँ ओनली दैट, फिटनेस लेवल आप मेरी देख सकते हैं, फ्लैट स्टमक, कंप्लीटली फिट। तो सर इसका सीक्रेट तो बताइए सर, ऑडियंस बिल्कुल जानना चाहती है कि इसमें क्या ऐसा, आप इनको कैसे यूज करते हैं, और ये होती कैसी है बेरी, और कहाँ कैसे मिलेगी सर, ये कैसे खाने को मिल सकती है तो ये। ये जूस आपको सीबकथॉर्न जूस के नाम से मिलेगी, जी और अगर आप ऑयल देखेंगे, ये सर ये सीबकथॉर्न कैसे, ऑयल इसकी है। क्या कितनी, ये कैसे होती है सर, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें सर इसको। आपको हाँ, ये कब आपने रिसर्च किया, कैसे आपको तो मालूम ये चला। 2004 से हमने इसकी रिसर्च शुरू करी, और 2004 से ही हम इसको यूज कर रहे हैं रेगुलरली। आप कैसे सर इसके नोन में हैं, कैसे आपको लगा सर। हम तो घूमने गए थे, हम लेह लद्दाख घूमने गए थे, और वहां देखा तो गांव वाले लोग, जो 55 साल का लग रहा था वो एक्चुअली 70 साल का था, 70 साल का, और उसके माता पिता भी जिंदा थे, और वो सारे घूम रहे थे फिट, अपना काम कर रहे थे, वहां कोई हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा तो क्योंकि बीमारी नहीं होता कोई, और बिल्कुल ग्लोइंग फेस, पूरे बाल अपने पूरे फिट वे में चल रहे हैं। तो हमारी क्यूरियोसिटी जागी, हमने पूछा, यार तुम खाते क्या हो। हाँ तो एक बेर दिखाई उन्होंने, हाँ ये वाली, ये सीबकथॉर्न की बेर, जिसके अंदर से जूस वो बना के रखते हैं और पूरा साल पीते हैं उसे। तो ये सर बेरी कैसी होती है, इसका क्या। ये रही वो बेर, आप देखिए जो फ्रेश आपको ये नजर आ रही है ऑरेंज बेर, और वही रंग है इसका जूस का। तो इसके बारे में बता सर, 6 घंटे तक ही ऐसी रहती है, उसके बाद हमें इसको फॉर्म में, ये ना 6 घंटे में खराब हो जाती है, तो 6 घंटे के अंदर अंदर हम जूस बना देते हैं इसका, और उसके बाद उसके जो बीज और ये जो पाउडर है और सूखा के ये मिलता है, और इसी से इसका तेल निकलता है, और इससे ये वाला तेल सर निकलता ये है। बीज तो कुछ सरसों के बीज की तरह लग रहे हैं। हाँ नहीं, ये सरसों का बीज अलग है जी, सरसों का बीज देखिए अच्छा, ये अलग हाँ है। ये सरसों का बीज है, और ये हाँ खास अलग बीज है ये इसका। बिल्कुल अलग बीज है, इसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है, 190 न्यूट्रिशन कंपाउंड्स है इन सारी चीजों में, और इस जूस में भी 190 कंपाउंड्स है, जिसमें मतलब आप इसको पी के यंग क्यों रह जाते हैं, आपकी एज फ्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9, जो कि 7 ओमेगा जो है सबसे रेयर है, ओमेगा 7 जो सबसे रेयर है, जो आपके स्किन के लिए, आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए सबसे फायदेमंद है, ये वो इसके अंदर है, सिर्फ सीबकथॉर्न में ओमेगा 7 पाया जाता है, और ये सबसे रेयर ओमेगा है। इसको सर यूज कैसे करते हैं इनमें, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सर, ये कैसे, खास बात क्या है कि इतने ऊपर उगने के बाद इतने ठंडे इतने गर्म टेम्परेचर में -40 -40 के अंदर सर्वाइव कैसे कर जाते हैं, वहां पे तो कोई पत्ते भी नहीं होते इसकी वहां। जड़ें जो है 200 फुट नीचे जाती है, और वो 200 फुट से न्यूट्रिशन खींचती है सर्वाइव करने के लिए, 200 फीट, इसलिए इसमें 190 कंपाउंड्स है, 3, 6, 7, 9 ओमेगास है, 21 एमिनो एसिड है, 14 विटामिन है, दुनिया भर के मिनरल्स हैं, और बायो एक्टिव कंपाउंड्स और एंटी ऑक्सीडेंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट एंटी ऑक्सीडेंट्स, जो कि आपकी सेल्यूलर एजिंग को रोक देती है।
तो सर इसको यूज कैसे करना है? इसके आपने बस ये एक चम्मच, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्लास, खाली ग्लास। तो पहले हम इसका कंपैरिजन देख लेंगे सर। इसको पहले हमें ये आप इनका बताइए सर, ये जो हमारे पास लीव्स हैं और ये जो हमारे पास ये सामने रखी हैं चीजें, फॉर एग्जाम्पल ये जो एक चम्मच है आपका जूस का जी, और ये आप देखिए 5 servings ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड नट्स जी, ये जो है एक चम्मच इसके इक्वल है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसके अंदर जितनी भी फायदे की चीजें हैं सब इस एक चम्मच के अंदर फिट अप हो जाती है। सच कह रहे, सच की बात है। मतलब ये एक चम्मच कोई अगर पी ले तो ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको। अरे वाह। और ये ऑर्गेनिक है, इसमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कितना है हमें मालूम नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें बादाम में ओमेगा 6 है, इसमें भी ओमेगा 6 है, अखरोट में ओमेगा 3 है, इसमें भी ओमेगा 3 है, इसमें ओमेगा 7 है, लेकिन इन सब चीजों में ओमेगा 7 नहीं है, इन सब चीजों में ओमेगा 9 नहीं है, और इसमें जो 14 विटामिन और मिनरल्स है इन सब में नहीं है, और इसमें जो 21 अमीनो एसिड्स है इसमें नहीं है, और इसमें जो बाकी बायो एक्टिव कंपाउंड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स है इसमें नहीं है। तो सर पीने का कोई किसी को साइड इफेक्ट तो नहीं है इसको? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें सारी चीजें फायदे की ही होती है, कोई एडवर्स साइड इफेक्ट नहीं। तो इसे एज ए जूस ही लिया जा सकता है, किसी और फॉर्म में भी? आप इसको एज ए जूस ले सकते हैं, या तो इसमें एज ए ऑयल ले सकते हैं, या 500 mg ऑयल आपको एक दिन के लिए काफी है। अब 500 mg ऑयल कितना है मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप 3 बूंद डाल दीजिए और 500 mg हो जाएगा, 1, 2, 3 बूंद, ये आपका 500 mg ऑयल हो गया लगभग। ये आपके लिए एक दिन के लिए काफी है, इतना ये इतना फुल ऑफ एनर्जी है। स्मेल तो इसकी बहुत स्मेल होगी, बहुत स्मेल होगी, क्योंकि ये तो प्योर सीवकथॉर्न ऑयल है। तो ये फॉर्म रहती है सर, इसका अलग ऑयल रहता है, ये तीन फॉर्म में रहता है। ये जो ऑयल है इसमें से निकला है जी, इसके बेरी के पाउडर से, ये वाला जो ऑयल है इसके बीज से निकला है। तो अगर आप दोनों का ऑयल कंबाइन करके लेंगे तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप जूस लीजिए। तो ये बेरी में तीन तरह की चीजें अलग अलग कैसे निकलती हैं सर? लीफ तो ये हुए, फ्रेश तो आपका जूस निकलता है, ठीक है, फिर आपने जब बेर को सुखा दिया तो इसको अलग अलग कर दिया तो ये पाउडर मिल गया और सीड मिल गया, और जब पत्तियां सूख गई तो आपको पत्तियां मिल गई, या हरी पत्तियां यहां से मिल गई। तो इसको जूस के अलावा हम लोग ऑयल की फॉर्म में ले सकते हैं, ऑयल के फॉर्म में ले सकते हैं। और लीव्स जो है आपको सीवकथॉर्न टी, या तो आप ब्लैक टी या आप ग्रीन टी लीजिए सीवकथॉर्न लीव्स के साथ। इसके बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताइए सर, जैसे आपकी लाइफ में तो ये हुआ, और किसी की लाइफ में कोई चेंजेस आए हो जिसको लेने से कुछ किसी को फर्क पड़ा? ये देखिए साहब, अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम का नाम है इसका, हिपोफे रैमनॉइड, जिसका मतलब है ग्रीक नाम शाइनिंग हॉर्स, क्योंकि सीवकथॉर्न, इसका लैटिन नाम है, सीवकथॉर्न का लैटिन नाम हिपोफे रैमनॉइड्स, मतलब शाइनिंग हॉर्स, ग्रीक में शाइनिंग हॉर्स कहते हैं इसे। तो ये ग्रीक्स ने नाम दिया था क्योंकि बाल बिल्कुल शाइनिंग हो जाते हैं और स्ट्रेंथ आती है, घोड़ा दौड़ता ही रहता है, तो आपका हेल्थ एंड ब्यूटी दोनों चीजें मिलती हैं आपको इससे। तो इंडिया में ज्यादातर घोड़े की ताकत के लिए बोला जाता है अश्वगंधा और ये सब बेनिफिट बताए जाते हैं। हाँ, वो घोड़े की ताकत के लिए अगर आप सीवकथॉर्न ले लेंगे तो और भी जबरदस्त हो जाएगा, और आपके बाल भी शाइनिंग एंड सिल्की हो जाएंगे। तो विटामिन सी भी हमारे, मैंने सुना है इसमें बहुत ज्यादा होता है विटामिन सी बहुत होता है। अगर आप 12 संतरे लेंगे और एक चम्मच ये ले लेंगे तो उसका बराबर हो जाएगा, मतलब ये 12 संतरों के हिसाब का विटामिन सी आ गया इसमें। 12 संतरे का जूस पी ले इसमें एक चम्मच में हो गया। अरे वो, और या तो इसमें जो विटामिन सी है गाजर से 3 गुना ज्यादा है। अच्छा, हाँ, तो इसको ये ऐसे भी ले जाता है तो ये खट्टा भी तो बहुत होगा? बहुत खट्टा है। हाँ। आप इसको ऐसे बिना पानी के ले नहीं सकते, इतना खट्टा है कि आपके मुंह में लगेगा, इसको पानी के साथ पीना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊं, आपने एक चम्मच डाल दिया ग्लास में और थोड़ा सा पानी डाल दिया और आपके दिन की डोज, सीक्रेट ऑफ फ्रीजिंग योर एज, आपकी एज का सीक्रेट। तो हम इसी के साथ आपकी एज को रिवील करेंगे अभी, तो लोगों ने क्या गेस किया वो बताएं कि सर की एज क्या है, और हम सर से जानते हैं सर आपकी एज अभी क्या है और जब से आपने इसको लेना शुरू किया तब क्या थी? मेरी एज तो 40 years है जी, क्योंकि मैंने जब से शुरू किया, मैंने 40 की एज से शुरू किया और मैं 40 ही हूँ तब से, मेरी एज अभी 57 है। आपकी उम्र 57 है? yes. लेकिन आप 40 ईयर में शुरू करके 40 ही रुके। हाँ, मेरी बायोलॉजिकल एज आप समझे कि 40 ही रह गई। वाओ, ये अमेजिंग है सर ये। तो उसको किसी भी उम्र में कोई भी लेना शुरू करेगा तो उम्र किसी भी उम्र में आप लेना शुरू करिए। अगर आपको आपने 18 की एज में शुरू किया तो आप 18 ही रह जाएंगे, अगर आपने 28 की एज में शुरू किया तो आप 28 ही जैसे लगेंगे सारी उम्र, और आपने इसको रेगुलरली एवरी ईयर लिया तो आपकी एज वापस हो जाएगी।
28 से 27 यू स्टार्ट लुकिंग यंगर, आपके बाल शाइनी हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके डार्क सर्कल्स वैनिश हो जाएंगे, आपको पोल्यूशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल बी फॉरएवर यंग। सर ये कुछ ज्यादा बड़ी कमिटमेंट नहीं कर दी आपने? बिल्कुल नहीं, मैंने तो अंडर प्रॉमिस किया है। अंडर प्रॉमिस नहीं, उम्र को तो कोई रोक नहीं पाया, आप इस चीज का दावा कैसे कर सकते? आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ इट। सर ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे लगता है लोगों को इसके बारे में रिसर्च करके इसके बारे में जान लेना चाहिए। रिसर्च तो इसकी अपने है। आप में सर इसके बारे में कुछ स्टडीज होंगी। हाँ, है ना? अब आपने रिसर्च की बात करी तो मैंने अपने आप को ओवर प्रमोट नहीं किया है, ये 120 से भी ज्यादा इस पे रिसर्च पेपर्स है, और सारे रिसर्च पेपर्स आपकी स्किन की हेल्थ के बारे में, आपके बालों के बारे में, आपके कार्डियक के बारे में, आपके पैनक्रियास के बारे में, आपके डायबिटीज के बारे में, आपके हार्ट के बारे में, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, आपके फैटी लिवर के बारे में, सारी रिसर्च है। तो हम दर्शकों को कहेंगे कि सर की तो एक लिविंग टेस्टिमनी है, सर ने तो अपने बारे में बताया, और इसके अलावा बहुत चीजें जो है आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, इसके बारे में स्टडीज वो आप देख सकते हैं। तो सर अपना नाम एक बार जरूर बता दीजिए कि हम आपको सिबलथॉर्न गुरु के नाम से जाने। मेरा नाम अर्जुन खन्ना है, आई एम 57 ईयर्स ओल्ड, आई फील लाइक 40 एंड आई एम लुक लाइक 40। तो आप सबके लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि आप इसके बारे में और स्टडी करके जान सकते हैं और इससे भी अपनी सेहत को आप ठीक रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।